स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े दावे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये खोखले साबित होते नजर आते हैं। आज हम बात करेंगे पालमपुर की, जहां पर स्वच्छता को लेकर बड़ी बड़ी रैलियां और नेताओं द्वारा सफाई की जाती है, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां करती है। आप तस्वीरें देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से सड़कों के किनारे कूड़ा खचाखच भरा हुआ है, लेकिन इनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। स्वच्छता को लेकर पालमपुर की कई पंचायतों को अवार्ड मिल चुके हैं, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर सच्चाई कुछ और ही नजर आ रही है। वैसे तो पालमपुर की कुछ पंचायतों ने कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां लगा रखी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग सड़कों के किनारे कूड़ा फेंक रहे हैं। ऐसे में आम जनता को भी सहयोग करना चाहिए, ताकि पालमपुर को स्वच्छ बनाया जा सके। पर पूरा जो मतलब इस इंडिया में चल रहा है कि साफ सफाई का अभियान चल रहा है, और इस चीज़ को देखते हुए लोग जो हैं वो सोच रहे हैं कि हम भी साफ सफाई में रहें। कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम साफ सफाई में रहें, पर ऐसे लोग भी हैं जो कि मतलब उन लोगों की ऐसी कंडीशन है कि जो कि हमारी पंचायतें आप ये देख रहे हो, इधर आप देख सकते हो इसको, कि मतलब हम सुबह साफ यहाँ से सफ़र कर रहे हैं, तो ये एक छोटा सा काम है। एक घर का जो मतलब बच्चा होता है, उसको माँ बाप जो वो सिखाते हैं ना कि मतलब आप साफ सफाई रखो। आप कौन सी साफ सफाई है कि जिनको इतना पता नहीं कि हमने कचरा कहाँ फेंकना है। और हमने मतलब एक बच्चा जब सुबह उठता है, या माँ बाप जो साथ में होते हैं, माँ बाप सिखाते हैं बच्चे को कि बेटा तुमने ऐसे साफ़ सफाई रखनी है, अपने दाहिने बाएँ साफ सफाई होनी चाहिए, तो तुम्हारी स्कूल की ड्रेस साफ़ है, या तुम खाना साफ तरीके से ले जा रहे हो, तो तुम्हारे दाहिने बाएँ जो साफ़ सफाई का जो ये काम है, ये कौन करेगा, हमें करना है ना। तो मतलब मेरा बोलने मतलब ये है कि हर एक आदमी को इसमें इनिशिएट लेना चाहिए, और ये सब चीज़ें जो ये कचरा वगैरह लोग ऐसे ही फालतू में फेंक दे रहे हैं, तो इसका कुछ एक जगह पे डंप है जहाँ पे, जो कि गाड़ियाँ लगी हुई हैं, हर एक पंचायत ने गाड़ियाँ लगा के रखी हैं, तो उसमें ये लोग उसको इस्तेमाल करें, बोलने का मतलब ये है। और ऐसे नहीं कि मतलब जहाँ दिल किया वहाँ पे कचरा फेंक दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इससे काफ़ी सारी बीमारियाँ भी फैल रही हैं, और काफ़ी सारी लोग मतलब परेशान भी होते हैं सुबह शाम। हम भी घूमते हैं यहाँ से, इन रोड किसी टाइम में ऐसे हुआ करते थे कि देखने को दिल करता था, जो कि बाहर के मतलब टूरिस्ट आते हैं, वो देखते हैं कि मतलब हमारा हिमाचल कैसा, कितना साफ़ सुथरा से हिमाचल है, मतलब पहचाना जाता है हिमाचल की कितना साफ़ सुथरा है। पर यहाँ आके वो देखते हैं कि हिमाचल आज की डेट में बदल रहा है, मतलब सुधरना चाहिए पर वो बिगड़ रहा है। अभी किस लिए बिगड़ रहा है, क्योंकि ये कचरा सबसे पहले मेन चीज़ ये है कि जो अपना घर, अपना दाहिने बाएँ और अपना जो गाँव है उसको साफ़ नहीं रख सकता, इसका मतलब उस वो इंसान अपने आप को भी कभी साफ़ नहीं रख सकता। तो मेरी मतलब ये छोटी सी एक अपील है, ऐसा मैं एक एक्स सर्विस होने के नाते इंडियन आर्मी से मैं रिटायर्ड हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि सभी लोगों से मतलब छोटी सी अपील मैं कर रहा हूँ कि कम से कम जो ये कचरा फेंक रहे हैं, इसको सही तरीके से जो गाड़ियाँ दी गई हैं उन गाड़ियों का उपयोग करें, और ऐसे फालतू में ऐसे ना फेंकें, जिससे कि काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं और सभी लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ये सब चीज़ें। मुझे एक ही जगह पर कचरा नहीं है, यहाँ पर काफ़ी सारी जगह ऐसी हैं जहाँ की मतलब इतना कचरा है, पता नहीं गाड़ियाँ मतलब आ रही जा रही हैं, पर गाड़ियों को कम से कम लोग तो इस्तेमाल कर सकें उसका, बोलने का मतलब कि वो जो गाड़ियाँ लगा रखी हैं, गवर्नमेंट ने लगा रखी हैं, या पंचायत जो उसके लीडर्स हैं, उनको भी देखना चाहिए, कम से कम इंश्योर करें इस चीज़ को कि मतलब हमारी पंचायत में कहाँ पर इतना कचरा है कि हम उस चीज़ को साफ़ सफाई रखें। और ख़ास कर ये डिपेंड है लोगों के ऊपर ही, जितने सारे लोग हैं यहाँ के, तो वही लोग मतलब इस चीज़ को, सबसे मेन काम वही है कि यहाँ के जो लोग हैं वही इस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मैं SN नाग एक्स एयरफोर्स वार्ड नंबर 2 बिंद्रावन खिलड़ू से निवेदन करता हूँ सभी को कि जो यहाँ पर कूड़ा फेंकते हैं वो यहाँ पर कूड़ा ना फेंकें, और यहाँ पर जितने भी बोर्ड पंचायत ने और पुलिस ने लगाए हुए थे उनको तोड़कर फेंक दिया हुआ है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधान से और वार्ड पंच से कि उसको देख करके उसकी पूरी मरम्मत करके यहाँ पर लगा दें, और जितना भी लोग हैं आते जाते हैं वो यहाँ पर गंदगी ना फेंकें, ताकि स्वच्छता को ठीक ढंग से रखा जाए।
प्लस मैं सभी प्रधानों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने इलाके में अच्छी तरह से साफ सफाई का प्राविधान करें और सभी लोग आ करके उसमें हाथ बटाएं। ये स्वच्छता अभियान के बारे में पूछा जा रहा है तो हम इसके बारे में इतना कहेंगे कि स्वच्छता बहुत अच्छी बात है, रखना भी घर में भी बाहर भी सब जगह अच्छी लगती है। कभी समय था सन 60 और 70 के दशक में माँ घर में झाड़ू लगाती थी तो छोटा छोटा कूड़ा कचरा जो था वो हमारे खेतों में एक काम का खाद के रूप में इस्तेमाल हो जाता था, परंतु ज्यों ज्यों ये तरक्की होती गई, नए नए पक्के घर बनते गए, कच्चे मकानों का वो होने लगा खात्मा, तो ये घर का जो भी जितना वेस्ट है ये ज़्यादा निकलने लगा और उसका परिणाम आज ये है कि हमारे जो कभी किसी समय पानी पीने की कूलें होती थी जिनसे हम पानी भी पीते थे, सिंचाई होती थी, कपड़े धोते थे, नहाते थे, आज उन कूलों के पानी में हम हाथ नहीं डाल सकते। ये मेरे पीछे एक कूल है जो कि कूड़े से भरी हुई है बिल्कुल, और उसमें अच्छे अच्छे घरों के लोग जो अब शाम को या सुबह लोगों के आम सड़क पर आने से पहले ही अपने घरों का कूड़ा कचरा सारा प्लास्टिक दूसरा जो भी वेस्ट है वो यहाँ फेंक जाते हैं। अभी एक साइट आगे है, वहाँ भी जा करके देखें तो वो सारा कूड़ा कचरा वहाँ फेंका हुआ है और सड़क के किनारे होता है सारा। तो आप किसको इसको दोषी ठहरा? इसमें दोष तकरीबन जनता का ज़्यादा है, जनता जागरूकता भी सरकार कर रही है, कोई ऐसी बात नहीं, सरकारें भी अपना काम कर रही हैं, परंतु सबसे बड़ी बात यह है कि लोग अब नए नए मकान बना रहे हैं, थोड़ी ज़मीन खरीद रहे हैं और उस कूड़े के डिस्पोजल के लिए उनके पास कोई अवेलेबल सोर्स नहीं है, सरकारों ने जो साधन लगाए हुए हैं उनका वो उपयोग नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये कूड़ा कचरा जो है वो आम सड़कों पर आ जाता है। और हम सरकार से चाहेंगे या प्रशासन से चाहेंगे कि गांव जो जितने भी गांव हैं उनमें कंसर्न्ड अधिकारी जो गांव के लेवल तक के होते हैं उनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो गांव के लोगों को कूड़े का कैसे प्रबंधन निष्पादन करना है उसका वो जागरूकता उनको लगाएं ताकि वो स्वच्छता जो है वो आगे बढ़े और गांव भी हमारे और सड़कें जितने भी खड्ड नाले जो पानी में गंद डाल रहे हैं वो सारे का सारा बचे। तो प्रशासन से यही गुहार है कि वो जागरूकता अभियान जो है वो गांव स्तर पर ब्लॉक स्तर पर ये ले जा करके ये ज़्यादा कामयाब होगा और कामयाबी लाना पड़ेगी ताकि बीमारियों से भी बचा जाएगा और स्वच्छता भी रहेगी, पर्यावरण भी शुद्ध होगा। ऐसे तो फिर ये जो जितने भी और ज़्यादातर ये पढ़ा लिखा तबका ही जितना ये अपने घरों का गंद जो है वो ओपनली खुले में फेंक रहा है, गरीब बेचारा जो है वो तो अभी भी अपना झोला या दूसरा कपड़ा साथ बाजार में ले जा करके सामान ले आता है, यही लोग हैं जो प्लास्टिक का ज़्यादा यूज करते हैं जिसका कि आज परिणाम ये आ रहा है। आजकल स्वच्छता को लेके कई मिशन चलाए हुए हैं तो कई पंचायतों में हमें ऐसा कूड़ा बिखरा हुआ देखने को मिल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है, आप किसको दोषी ठहराना चाहोगे? मेरा नाम प्रेम कुमार नाग, मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और मेरे घर इस कॉम्प्लेक्स के बैक साइड में बिल्कुल साथ लगते ही है। स्वच्छता अभियान बहुत अच्छा मिशन है, हम इसके लिए पूरा सहयोग दे रहे हैं, स्थानीय लोग भी सफाई करते हैं, पंचायत ने भी हमारा सहयोग दिया और यहाँ एक बोर्ड लगाया था कूड़ा कचरा फेंकना मना है और कोई कूड़ा कचरा फेंकता पकड़ा गया तो उसको 500 रुपया जुर्माना किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पर कूड़ा कचरा फेंक रहे हैं और पुलिस ने एक बोर्ड लगाया हुआ है, ये मेरे पीछे आप बोर्ड देख रहे हैं, इस बोर्ड पे लिखा हुआ है ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यहाँ पर ट्रकों की पार्किंग मना है, ट्रक को खड़ा करने वाले को जुर्माना किया जाएगा, पंचायत का आदेश है, किसी एक आदमी का नहीं, उसको भी वो नहीं मान रहे, जो उन्होंने बोर्ड लगाया था उसको भी तोड़ गए हैं, आप देखिए ये बोर्ड भी तोड़ा हुआ है और इसको हमने फिर अपना प्रसाधनों से इसको दोबारा खड़ा किया है, एक बोर्ड और लगाया था उसको भी तोड़ के फेंक गए हैं ट्रक वाले, अभी भी ट्रक खड़े हैं, स्थानीय लोग परेशान होते हैं, हम हर 1.5 महीने के अंदर 2 घंटे समय निकालते हैं और इसको साफ सफाई करते हैं लेकिन लोग बाज नहीं आते। और प्रशासन से भी हमारी विनती है, महकमा पुलिस से भी इनती है, देखो उनके ही लगाए हुए बोर्ड को तोड़ गए, कितनी दबंगई कर रहे हैं ये लोग, ये टूटा हुआ बोर्ड और इसको कोई
खुद बुद्ध नहीं ली। हम चाहते हैं इसको साफ करें और हम इसको कई अरसे से साफ करते आ रहे हैं। 2 वर्ष हो गए, 2 घंटे हम एक संडे को निकालते हैं और श्रमदान करते हैं। और हमने तो ये सोच रखा है कि शुभ कर्मण ते कभू न टरू, अगर मानस जोनी हमको मिली है तो अच्छे काम हमें करने चाहिए। उनका काम है श्रमदान करना भी। हम श्रमदान करते हैं, सफाई करते हैं, लेकिन लोग फिर यहाँ कूड़ा फेंक जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। इसके लिए लोग क्या करते हैं, भी अपने घर की तो सफाई रखते हैं, पर्सनल हाइजीन तो रख लेते हैं, लेकिन जो सोशल हाइजीन है, सामाजिक जो स्वच्छता है, उसका ख्याल नहीं रखते। हमें अपने जंगल जो है, ज़मीन जो है, जल है, पानी है, ये सब की सफाई करनी, इसको संभाल के रखना है, नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ हमें बख्शेंगे नहीं। मेरा अनुरोध है सारे जितने भी नागरिक हैं, आप सब प्रबुद्ध हैं, बहुत समझदार हैं, या कूड़ा कचरा ना फेंकें। कई बार गाड़ियों में आते हैं, रात के समय फेंक जाते हैं, सवेरे जब हम मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं यहाँ कूड़ा फेंक जाते हैं। रात को होता नहीं है, जब हम सवेरे निकलते हैं तो होता है, हमारे सामने, हमने किसी को पकड़ा नहीं। भरसक प्रयास होता है, लेकिन रात के अंधेरे में या सुबह अंधेरे में इधर कूड़ा कचरा फेंक जाते हैं, तो इसको रोका जाए। हमारा सबसे निवेदन है, हमारा सहयोग करें, श्रमदान करें यहाँ पर रह करके, और इस कूड़े कचरे को फैलने से रोकें। धन्यवाद। इस स्थान पर एक कूड़ा कचरा ना फेंकने का बोर्ड लगाया गया था, जिसको असामाजिक तत्वों ने तोड़कर किनारे फेंक दिया था। वो भी आपको बयान कर रहा है अपनी बदहाली की। और मेरा उन लोगों से भी प्रार्थना है, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे, ऐसा कामना करें। हमारा हिमाचल प्रदेश बहुत साफ सुंदर प्रदेश है, सैलानी लोग यहाँ आते हैं, वो हमारे प्रदेश के बारे में क्या जान कर लेकर जाएंगे अपने व्यूज। हमें इसको साफ सुथरा और सुंदर रखना है। पंचायत भी साथ दे रहे हैं, लेकिन सबका साथ चाहिए, प्रशासन का भी और पुलिस वालों को भी। मैं विनती करूँगा, देखें ये बोर्ड कैसे तोड़ा हुआ है, इसकी आज दिन तक उन्होंने भी शोध नहीं, ना इसको ठीक ढंग से उन्होंने लगवाने की कोशिश। हमें बहुत बुरा लगता है, हम नाक बंद कर कर के जाते हैं, और सफाई ज़रूरी है। सफाई के लिए खुद आदमी गंद खुद डालता है। हम तो चाहते हैं जो कागज पत्रे हो जला दो, इधर उधर मत फेंको, जला दो। कूड़े वाली गाड़ी लगी है, गाड़ी तीसरे दिन आती है, गाड़ी में फेंक दो, ज़रूरी नहीं है गंद फैलाना। बस मैं यही चाहती हूँ, लोगों के बारे ही मैं बोलती हूँ भाई, लोगों ने जो घर अपना साफ करते हैं, घर को अच्छा उजियाला बनाते हैं, तो बाहर में भी चलने लायक रहना चाहिए। बाहर भी सफाई ज़रूरी है, बाहर से ही जाती है गंदगी पूरा अंदर, तो ये सफाई ज़रूरी है। मैं यही चाहती हूँ लोगों के बारे, भाई सब लोगों से गिनती है कि भाई सफाई रखें, अच्छा नहीं लगता है गंदगी। हम इसी रास्ते से जाते हैं, हम आईमे में ही रहते हैं। मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं आईमा पंचायत स्वच्छता कमेटी का इंचार्ज हूँ। ये कूड़ा हम लोग घर घर से उठा रहे हैं, फिर भी लोग नहीं मार रहे जो बाहर फेंक रहे हैं। इन लोगों से निवेदन है, ये बाहर गंदगी ना करें, इनसे निवेदन है, इतना रिक्वेस्ट है, लोगों के किनारे कूड़ा ना फेंके, इसमें हमें उठाने को बड़ी मुश्किल होती है, बाहर बिल्कुल गंदगी ना करें। बिंद्रावन पंचायत में आपकी सफाई के प्रति क्या मुहिम चलाई हुई है आपने? बिंद्रावन में सफाई की मुहिम को हमने उसके लिए हम जगह का चुनाव कर रहे हैं। पाँच सात साइटें देखी हुई है हमने, और जैसे ही लोगों की सहमति बनती है तो हम तुरंत जो है वो कूड़ा संयंत्र केंद्र जो है वो लगाने जा रहे हैं। बाकायदा पंचायत इसके लिए तैयार है। तो अभी भी बिंद्रावन पंचायत में कूड़ा इधर उधर देखने को मिल रहा है फेंका हुआ, तो इसमें आपका क्या योगदान है? हम तो लोगों से अपील करते ही रहते हैं कि कूड़ा खुले में ना फेंकें, कूड़े को जला दें, लेकिन लोग फिर भी नहीं मानते हैं। जब तक कूड़ा संयंत्र नहीं होगा, तब उससे पहले आपका क्या कार्य होगा? मेरी आईमा के प्रधान श्री संजीव राणा जी से बात चली हुई है कि जो हमारा ऊपर से जो 3-4 वार्ड जो है उनका कूड़ा जो है वो अपने उसमें संयंत्र केंद्र में लेने के लिए गाड़ी का जो प्रावधान है वो करें,
तो इसके बारे में संजीव राणा जी ने दिसंबर तक का टाइम दिया हुआ है कि दिसंबर के बाद जो है वो इसके ऊपर विचार करेंगे। कितने वार्ड आपके ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी होती है? हमारे बिंद्रावन पंचायत में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 4 वार्ड जो इसमें तो बहुत बुरा हाल है। बाकी नीचे जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे इतना कूड़ा नहीं होता है, लेकिन ऊपर वाले 4 वार्डों में जो कूड़ा ज़्यादा होता है। लोग खुले में जैसे कूड़ा कचरा वगैरह फेंक जाते हैं, उनके लिए पंचायत की तरफ से क्या प्रावधान है? मतलब कोई जुर्माना वगैरह भी किया जाता है या क्या? नहीं, जुर्माना तो किए, जुर्माने का भी है, पर लोग फिर भी नहीं मानते हैं। सुबह तड़के में या रात को लेट रात को भी वो कूड़ा फेंकते हैं। किन्हीं को हम समझा भी चुके हैं पर नहीं, लोग नहीं मानते हैं। पंचायत है बिंद्रावन पंचायत में, हमने पहले भी गाड़ी लगवाई हुई थी आईमा पंचायत की, तो लोगों के घर घर से कूड़ा उठाया जाता था, तो उसमें लोगों का प्रॉपर सहयोग ना मिलने से वो उस गाड़ी को बंद करने पड़ा। और मेरा बिंद्रावन पंचायत के लोगों से निवेदन है कि खुले में कूड़ा ना फेंकें, उससे जो है वो पंचायत की भी और आप लोगों की भी इसमें बेइज्जती हो रही है। कूड़े को या डस्टबिन में डालें या कहीं जला दें। पीछे जैसे जो वार्डों में जैसे डस्टबिन लगाए जा रहे थे पंचायत की तरफ से, तो बिंद्रावन पंचायत ने भी लगाए हैं? हाँ, बिंद्रावन पंचायत में भी लगाए हैं, पर उन डस्टबिनों का ये भी खाली करने की समस्या है। अब डस्टबिन भरने के बाद खाली करने के लिए लोग जो हैं वो तैयार नहीं है। आपकी पंचायत द्वारा डस्टबिन लगाए गए, लेकिन उनको खाली करने के लिए कुछ कोई किया, मतलब कोई प्लान नहीं करेंगे? कोई प्लान नहीं किया जी। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए पालमपुर से कविता मिन्हास की रिपोर्ट।